हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, इसके लिए मैंने एक से डेढ़ महीने का इंतजार किया, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं ये थोड़ा रूरल टाइप का एरिया है, तो यहाँ पे जो न्यू लॉन्च बाइक होती है वो शोरूम में थोड़े लेट से आती है। तो कोई बात नहीं, बाइक तो आ गया, चलिए हम आज इसका रिव्यू करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन सी बाइक है। इस बाइक से पर्दा हटाया जाए तो ये है आपके सामने हीरो की एकदम नई बाइक एक्सट्रीम 160R BS6 मॉडल में 2020 की बाइक है। बहुत सारे यंगस्टर बोलते थे कि हीरो कंपनी यंगस्टर के लिए बाइक नहीं निकालती, तो भाई उनके लिए भी हीरो कंपनी ने सोल्यूशन निकाल दिया है। अपनी एक नेकेड बाइक लेके आई है जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R, जो यंगस्टर के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि हम इस बाइक का आज फुल डिटेल्स करने वाले, प्राइस माइलेज वगैरह सारा चीज़ का डिटेल्स इसमें करने वाले, कलर वगैरह जो भी कुछ है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपको और किसी बाइक में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों को जानना है तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंजन से शुरुआत करते हैं। तो आपको इसके इंजन में 163cc का एयर कूल फोर स्ट्रोक 2V सिंगल सिलेंडर OSC इंजन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ही आपको इसमें कैटलेटिक कन्वर्टर भी देखने को मिलेगा। और अगर FI की बात की जाए तो इसमें आपको 14 सेंसर 5 दिया गया है, और आपको एडवांस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड के साथ ये बाइक लेस है। हम इसके इंजन की पावर की बात कर लेते हैं, तो आपको 8,500 RPM पे 15 PS का पावर मिलेगा, और 6,500 RPM पे 14 Nm का टॉर्क जनरेट करती है बाइक, और आपको इसमें 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा ब्रेक। तो आपको इस बाइक में दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक डुअल डिस्क ब्रेक और एक सिंगल डिस्क ब्रेक। तो हम बात कर लेते हैं फ्रंट की। तो आपको इसके फ्रंट में 276mm का डिस्क पेटल देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल चैनल ABS में, और रियर में आपको 220mm का रियर डिस्क प्लेट देखने को मिलेगा। और अगर ड्रम ब्रेक की बात की जाए तो रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के हेडलाइट का डिज़ाइन। तो इस बाइक का हेडलाइट का डिज़ाइन और जो लुक है ये पूरा रोबोटिक टाइप का एक नज़र आता है। और इस बाइक में आपको फुल्ली LED मिलेगा और विद DRL के साथ है, मतलब आपको इसमें DRL भी दो मिलेंगे, और ये पूरा फुल्ली LED है। और इसका जो फ्रंट इंडिकेटर बैक इंडिकेटर दोनों ही LED में दिया गया है, जो इस बाइक में काफ़ी अच्छा चीज़ है। जो काफ़ी LED जो होते हैं इंडिकेटर, ये काफ़ी ब्राइट होते हैं, और आपको यहाँ पे 3D में H जो हीरो का लोगो है वो देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इसके टेल लैम्प की, तो इसके टेल लैम्प का डिज़ाइन यामा की MT-15 और KTM की बाइकों से थोड़ा मिलता जुलता डिज़ाइन दिया गया है, और इसको ये काफ़ी प्रीमियम बनाता है। आपको टेल लैम्प में और इंडिकेटर में भी सारे में आपको फुल्ली LED देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। इस बाइक का व्हील बेस 1327mm है, और अगर सीट की बात की जाए तो इस बाइक में आपको 790mm की सीट हाइट दी गई है, और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 167mm की दी गई है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160R के कंसोल के स्पीडोमीटर की। तो जो आपको इस बाइक में स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा वो फुली डिजिटल स्पीडोमीटर आपको इस बाइक में दिया गया, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली आप देख सकते हैं, जैसे घड़ी हो गया, किलोमीटर, RPM वगैरह सारा चीज़ आपको डिजिटली इस बाइक में दिया गया है। और इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का भी ऑप्शन दिया गया है। और इस बाइक का अगर स्विचेस को देखेंगे तो एक रेड कलर का जो है इसमें एक नया ऐड किया गया है, जो आप बाहर से लगाते थे ये हैजार्ड लाइट है, आपको इसमें इनबिल्ट दिया गया है। और इधर जो स्विच देख रहे हैं, इसमें जो किल स्विच है उसी में आपको इस सेल्फ स्टार्ट स्विच भी दिया गया है, मतलब इंक्लूड है। तो ये दो चीज़ें नए हैं इस बाइक में, जो कि 160 के रेंज में जो CC की बाइक होती है उसमें बहुत कम ही बाइकों में ये सिस्टम दिया गया रहता है। इस बाइक में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रैब रेल की, तो आपको इस बाइक में इनबिल्ट ग्रैब रेल देखने को मिलेगा, जो हीरो ने इसमें कुछ नया ट्राई किया है जो और बाइकों से इस बाइक को अलग बनाता है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसका फ्यूल कैपेसिटी। तो आपको इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। और इसके फ्रेम की बात की जाए तो इसमें आपको ट्यूबलर डायमंड फ्रेम टाइप दिया गया है। और अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो इसमें 45 से 50 का आपको माइलेज मिल जाएगा। और यहाँ पर आप एक नोटिस करेंगे, ये बहुत कम ही बाइकों में ऐसा मैंने तो पहली बार इस बाइक में देखा है कि आप जो पेट्रोल डालते हैं वो जो इसका टैंकी है पेट्रोल का वो अंदर से पूरा खाली है, मतलब डीप दिखाई देता है, और बाइकों में ऊपर में कुछ लगा हुआ रहता है। तो इसमें आपको जो तेल डालेंगे वो अंदर की तरफ पूरा डीप दिखाई जाएगा, जो गड्ढे टाइप में होता है उस टाइप में इसका पेट्रोल टैंक फ्रेम है। इस बाइक में आपको 37mm की टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको इसमें 7-step राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो साइलेंसर है, इसका साइलेंसर का भी डिज़ाइन नए टाइप से बनाया गया है।
इस बाइक में मुझे और एक चीज़ अच्छी लगी कि इस बाइक में अगर आप डुअल डिस या सिंगल डिस कोई भी डिस में अगर बाइक आप परचेज करते हैं तो आपको इस दोनों बाइकों के टायर के जो साइजेज वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। आपको इस बाइक के फ्रंट में 100x80x17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे और रियर में आपको 130x70x17 इंचेस के टायर देखने को मिलेंगे जो कि रेडियल में ट्यूबलेस टायर दिया गया है रियर में आपको। तो ये डुअल डिस और सिंगल डिस दोनों में आपको टायर के साइजेज बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने हीरो एक्सट्रीम 160R पे टेस्ट ड्राइव भी किया है और मुझे इस बाइक का थ्रोटल रिस्पॉन्स जो पिकअप है वो मुझे काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अच्छा लगा और ये बाइक चलाने में भी काफ़ी लाइट है तो काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होता है और कंपनी भी क्लेम करती है 0 to 60 ये 4.7 सेकेंड में ही कवर कर लेती है तो वो बाकी ऐसा मुझे चलाने पर भी लगा। तो ओवरऑल ये बाइक बिल्कुल सही बनाया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक में और कौन कौन से कलर है। तो इस बाइक के टोटल अभी 3 कलर आए हुए हैं, आपने एक ये देख लिया और यहाँ पे एक रेड और एक ब्लू में, तो इसके 3 कलर हैं। और इस बाइक का जो कार्ब वेट है आपको सिंगल डिस्क ब्रेक में आपको 138.5 kg का कार्ब वेट मिलेगा और डुअल डिस्क वाले में आपको 139.5 kg का कार्ब वेट है इन दोनों बाइकों का। तो दोस्तों चलिए हम हीरो एक्सट्रीम 160R के बाइक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका इसका प्राइस एक्स शोरूम सिंगल डिस्क का आपको 1,03,000 के आसपास पड़ेगा और डुअल डिस्क का एक्स शोरूम 1,05,000 के आसपास पड़ेगा। लगभग आपको ऑन रोड सिंगल डिस्क का 1,21,000 तक पड़ सकता है और डुअल डिस्क का 1,25,000 तक ऑन रोड प्राइस इन दोनों बाइकों का पड़ सकता है। ये प्राइस चेंज भी हो सकते हैं तो आप अपने नज़दीकी शोरूम में जाके पता कर सकते हैं। और ये बाइक आपके नज़दीकी शोरूम आसनसोल उषाग्राम में अभी हीरो में अवेलेबल है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो मैंने इनका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप शोरूम पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक के इंजन के पास आप देखेंगे कि यहाँ पे इंजन गार्ड इस बाइक में नहीं दिया गया है, तो ये है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो कि होना चाहिए था। और इसका एडवांटेज ये है कि आपको इस वेरिएंट में किसी बाइक में किक नहीं मिलता, पर आपको इस बाइक में किक और सेल्फ दोनों मिलेंगे, तो ये हुआ इसका एडवांटेज। तो दोस्तों आपको ये बाइक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बाइक रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई डाउट या कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।